तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी के अंदर पांच ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सैमसंग ने ही उसको बनाया है। बट ये प्री इंस्टॉल नहीं होती है सैमसंग गैलेक्सी में, आपको इसको डाउनलोड करना रहता है गैलेक्सी स्टोर में जाके। तो दोस्तों ये ऐप्स क्या है और कैसे उसको यूज करते हैं तो आगे आपको वीडियो बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे दोस्तों। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल। जो ऐप बताने वाला हूँ वो है सैमसंग हेल्थ दोस्तों। ये सैमसंग जो हेल्थ ऐप होती है बहुत ही कमाल की है। यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर अपनी आईडी बना लेना है। इसको जैसे ही आप करेंगे आपको अपनी डिटेल बेसिक डिटेल डाल देना है। तो आप वहां पर कितने कदम या बोल सकते हैं कितने स्टेप चलते हैं और कितना आपने चला है, आप यहां पर अपना टारगेट तक सेट कर सकते हैं। मतलब कि आप हेल्थ मेजर यहां पर कर सकते हैं। तो ये वाली बहुत ही कमाल का, मैंने यहां पर उसको यूज भी करा था, अब इसको मैंने रिसेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जैसे आप यहां पर ऊपर नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको यहां पर नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा कि आपने अभी टूडे कितनी स्टेप चली है। आप यहां पर अपना पर डे का टारगेट भी सेट कर सकते हैं और बाद में आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपने उतना चला नहीं चला। मतलब हेल्थ के हिसाब से बहुत ही कमाल की ऐप है जिसको मैंने यहां पर कर रखा है। डेली आप देख सकते हैं, डेली एक्टिविटी को आप यहां पर ट्रैक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली दोस्तों सेकंड जो बताने वाला हूं वो भी बहुत कमाल का, वो है गैलरी विजार्ड्स का। दोस्तों होता क्या है, यहां पर हमें मान लीजिए हमारे पास गैलरी तो है, बस हमारे पास जो फोटोज है हमें उसको यहां पर लगाना है अपने होम स्क्रीन पे, या भी बोल सकते हैं हमें यहां पर अपने स्क्रीन पे उसको विजार्ड्स को सेट करना है फोटोज को। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको करना क्या है, यहां पर आपको सर्च मार लेना है गैलरी विजार्ड्स करके। जैसे ही आप गैलरी विजार्ड्स करके लिखेंगे वहां पर आपको वो मिल जाएगी गैलरी विजार्ड्स, जो कि सैमसंग की तरफ से ही डिजाइन किया गया है उसको। गैलरी विजार्ड्स आप लिख के यहां पर सर्च मारेंगे, यहां सर्च मारने के बाद आपको ये मिल जाएगी। ऐसी ये पर मिलती है, इस टाइप की आपको मिल जाएगी। आपको इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या है, यहां पर आपको पेज पे आना है। पेज पे आने के बाद यहाँ विजार्ड्स पे क्लिक करेंगे। विजार्ड्स पे आने के बाद आप नीचे आएंगे, गैलरी के आपको विजार्ड्स अलग ही दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये बता देगा, आपको उसमें यहां पर क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे करने के बाद अलाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी फोटोज यहां पर आने लगेगी। आप चाहें तो यहां पर इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपनी फोटोज को यहाँ पर आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे तो आप यहाँ पर फोटोज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि कौन सी फोटोज आपकी यहाँ पर शो हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, ये सेट कर दिया, अब मेरी फोटो यहाँ पर सुनाएगी दिखाई देगी और हर बार ये चेंज होती रहेगी। आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम वहां पर वो चेंज होती रहेगी। तो सेकंड जो एप्स थी वो दोस्तों, थर्ड जो बताने वाला हूँ वो भी बहुत कमाल का है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्री इंस्टॉल इंटरनेट ब्राउजर दिया गया, आप देख सकते हैं आपको इंटरनेट ब्राउजर दिया गया है यहाँ पर। बट इसमें क्या रहता है, जो फीचर्स आते हैं, जो लेटेस्ट फीचर, ये बाद में आते हैं। तो इसका एक और वर्जन रहता है जिसका नाम है इंटरनेट बीटा। उसमें क्या होगा दोस्तों, जो पहले जो फीचर है वो पहले ही उसमें रोल आउट हो जाते हैं, बट उसको आपको डाउनलोड करना पड़ता है अलग से। ये आपको मिल जाएगा गैलेक्सी स्टोर पे ही, इसका नाम है इंटरनेट ब्राउजर बीटा। आपको दिख रहा होगा, बता देता हूँ, ये देख सकते हैं इंटरनेट बीटा करके आप लोगों को दिख जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अपडेट्स है या बोल सकते हैं जो फीचर्स है उससे पहले ही आ जाते हैं। जो नॉर्मल जो ब्राउजर होता है उससे पहले आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और भी अच्छे अच्छे यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं, लाइक आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये मिल रहा है। यहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे पहले जो नए अपडेट्स आते हैं, जो फीचर्स आते हैं, पहले इसमें रोल आउट होते हैं, उसके बाद नॉर्मल वाले ब्राउजर में रोल आउट किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे नए नए फीचर्स, जो कि उससे नॉर्मल ब्राउजर से डिफरेंट्स होंगे, जो कि उस नॉर्मल ब्राउजर से यहां पर आपको डिफरेंस मिलेगी। जो थर्ड वाली ऐप है वो सैमसंग इंटरनेट बीटा वर्जन। फोर्थ ऐप बताने वाला हूं वो है सैमसंग वीडियो लाइब्रेरी। मतलब कि दोस्तों यहां पर क्या होता है, अगर आप गैलरी में जाके कोई वीडियो को देखते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, उसमें एक ही जगह पर चलता है। आपका कोई वीडियो लाइब्रेरी पे या बोल सकते हैं वीडियो प्लेयर पे देखना हो तो सैमसंग का खुद का एक ऐप होता है जिसका नाम है सैमसंग वीडियो लाइब्रेरी। आपको उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पे, सॉरी गैलेक्सी स्टोर पे, आपको उसको मिल जाएगा। आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, यहां पर आपकी सारी वीडियोस यहां पर मिल जाएंगी। आप चाहें तो यहां पर फोल्डर वाइज भी देख सकते हैं, और आपको पर्टिकुलर किसी चीज को डिलीट भी करना हो तो आप यहां पर क्लिक करके उसको यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। तो फोर्थ ऐप जो बताने वाला हूं वो भी है सैमसंग की तरफ की कमाल की ऐप है। दोस्तों आजकल क्या होता है, प्री इंस्टॉल कोई भी म्यूजिक ऐप अब आपके मोबाइल में नहीं आती। अगर आपको कोई म्यूजिक प्लेयर सुनना हो या बोल सकते हैं म्यूजिक सुनना हो तो आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, पर आपको यहां पर सैमसंग की आप डाउनलोड कर सकते हैं सैमसंग म्यूजिक, जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है गैलेक्सी स्टोर से और यहां पर उसको परमिशन दे देना है।
परमिशन देने के बाद होगा क्या, जितनी भी आपके मोबाइल में म्यूजिक से रिलेटेड होगा वो सब यहाँ पर फाइंड कर लेगा। या फिर अगर आपको ऑनलाइन सुनना है तो स्पॉटिफाई में ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, फेवरेट पे अगर कोई बना देंगे तो फेवरेट आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट में आ जाएंगे, प्लेलिस्ट दिख जाएगी आपको, और ट्रैक जो कि मेरे मोबाइल की व्हाट्सअप कॉल रिकॉर्डिंग उसने यहाँ पर उठा ली है तो वो दिख जाएगा आपको। ऐसे ही यहाँ पर एल्बम में आएंगे तो कहाँ कहाँ से म्यूजिक उठाया वो मिल जाएगा, और आप यहाँ पर एक एक करके फोल्डर भी देख सकते हैं। ये हो गया है, और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी करने को, स्पीड को सेट कर सकते हैं, स्लीप टाइमर सेट कर सकते हैं, स्मार्ट वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं, यहाँ पर स्किप साइलेंस बिटवीन ट्रैक्स, मतलब कि यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो कि दूसरे प्लेयर में नहीं होती, आपको सैमसंग की म्यूजिक की ऐप में आपको वो यहाँ पर मिल जाएगा। आपको और भी यहाँ पर मिल जाएगा, साउंड इफेक्ट डालना हो तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से साउंड इफेक्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, साउंड क्वालिटी को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यही पांच जो कमाल की ऐप थी मैंने आपको बताई सैमसंग की तरफ से, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बोले, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।